पहले सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज दोपहर में उत्तर सियू रोड के किनारे एक गोदाम में भयानक आग लग गई। गोदाम में लकड़ी और कई भी ऐसे प्लास्टिक के सामान रखे हुए थे। इस गोदाम में आग देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और रोड के किनारे भी कुछ लकड़े वगैरह रखे हुए थे और पास में ही एक ट्रक भी खड़ा था और इसमें आग लगने की वजह से ट्रक में भी आग लग गई और ट्रक भी धू धू कर जलने लगा। जिस गोदाम में आग लगी थी उसी के बिल्कुल बगल में ही ट्रकों में एसी फिटिंग का काम किया जाता था और वहां पर भी एक खड़े ट्रक में आग लग गई। यानी कि इस भयानक आग में दो ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया और गोदाम जलकर पूरी तरह से राख हो गया। लॉकडाउन के दरमियान ये गोदाम बंद था और बंद होने की वजह से आग कैसे लगी इसकी जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। मौके पर कलंबोली दमकल कर्मी पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। सबसे पहले ट्रक में लगी आग को बुझाया गया और ट्रक को वहां से हटाया गया। आग विकराल रूप ले चुकी थी मगर दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है और गोदाम बंद था। आग कैसे लगी इसकी पूरी जांच डायघर पुलिस कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।